बहुत सारे लर्नर इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि बिसाइड्स और एक्सेप्ट का क्या इस्तेमाल है, तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। अगर आपके पास भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं जल्द आपके क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊंगा। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा या के अतिरिक्त, वहीं दूसरी तरफ एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर या के रहते। आइए इन सभी बातों को एग्जाम्पल में डिटेल से समझें। इंग्लिश के अलावा मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस में आपके अलावा के लिए कहेंगे बिसाइड्स, क्योंकि मेरे सेंटेंस का सेंस मैं इंग्लिश तो पढ़ाता ही हूँ साथ में मैथमेटिक्स भी पढ़ाता हूँ। तो इस तरह के सेंटेंसेस जहाँ आपको कहना हो कि मैं ये काम तो करता ही हूँ साथ में कोई दूसरा काम भी करता हूँ, को बोलने के लिए आप बिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। यानी इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे बिसाइड्स इंग्लिश आई टीच मैथमेटिक्स। लेकिन अगर आपको कहना हो कि इंग्लिश को छोड़कर मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, तो इस सेंटेंस का सेंस है कि मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ, इसको छोड़कर मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे एक्सेप्ट इंग्लिश आई टीच मैथमेटिक्स। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि बिसाइड्स और एक्सेप्ट ये दोनों अलग अलग बात है। बिसाइड्स का इस्तेमाल तब करना है जब आपको कहना हो किसी एक काम को करने के अलावा मैं दूसरा भी काम करता हूँ, जबकि एक्सेप्ट का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आपको कहना हो मैं पहला वाला काम नहीं करता हूँ बल्कि दूसरा वाला काम करता हूँ। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। रोटी के अलावा मैं चावल खाता हूँ, यानी रोटी तो मैं खाता ही हूँ साथ में चावल भी खाता हूँ। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे बिसाइड्स ब्रेड आई ईट राइस। लेकिन अगर आपको कहना हो रोटी को छोड़कर मैं चावल खाता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे एक्सेप्ट ब्रेड आई ईट राइस, यानी रोटी मैं नहीं खाता हूँ, रोटी को छोड़कर मैं चावल खाता हूँ। राजू के अलावा फैसल आया, तो इस सेंटेंस का सेंस है राजू तो आया ही साथ में फैसल भी आया। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे बिसाइड्स राजू फैसल केम। लेकिन अगर आपको कहना हो राजू को छोड़कर सभी आए, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे एक्सेप्ट राजू ऑल केम, यानी राजू नहीं आया, राजू को छोड़कर बाकी सब आए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको बिसाइड्स और एक्सेप्ट का मतलब समझ में आया। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक और खास बात बता दूं कि बिसाइड्स के जगह पर आप अपार्ट फ्रॉम और इन एडिशन टू का भी यूज कर सकते हैं, यानी बिसाइड्स अपार्ट फ्रॉम और इन एडिशन टू, इन तीनों का यूज एक ही जगह किया जाता है। और इस टॉपिक पर मैं पहले ही एक खास वीडियो बना चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको यह टॉपिक शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? सिर्फ दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।